हे गाइस, वेलकम टू साइबर किंग। और गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगा पांच ऐसे अमेजिंग MIUI 11 सपोर्टेड थीम्स के बारे में जो आप देखकर बस यही बोलेंगे वाव। गाइस, ये जो थीम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे उम्मीद है ज़रूर आपको ये पसंद आएंगे ये सारे थीम। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आके इस वीडियो को देखें गाइस, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सो गाइस, पहला जो थीम है उसका नाम है DW19। और गाइस, इस थीम को अप्लाई करके देखते हैं कि ये थीम देखने में कैसा लगता है। सो गाइस, थीम अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं। और गाइस, सबसे पहले होम स्क्रीन पर आप देखते हैं चेंजेस। तो गाइस, आपको आइकन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये आइकन। और गाइस, अगर मैं नोटिफिकेशन शेड दिखाऊँ तो गाइस, नोटिफिकेशन आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, एकदम ग्लोसरी ट्रांसपेरेंट दिखता है गाइस, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, देख सकते हैं। उसके बाद से गाइस, अगर मैं इसको लॉक करके दिखाऊं तो लॉक स्क्रीन कुछ इस प्रकार का दिखता है गाइस। फोकस नहीं हुआ अभी कैमरा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखता है गाइस। सो गाइस, चलिए अब अगले थीम के बारे में बात कर लेते हैं। और उसका नाम है AUN3। और गाइस, इस थीम को भी अप्लाई करके देखते हैं कि ये थीम कैसा है। थीम अप्लाई हो चुका है और होम स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि होम स्क्रीन कुछ ऐसा किस प्रकार का दिखता है। सो गाइस, होम स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, देख सकते हैं। और अगर मैं नोटिफिकेशन शेड की बात करूं तो नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार का दिखता है, जो देखने में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, देख सकते हैं। नोटिफिकेशन इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और गाइस, अगर मैं आपको सेटिंग में लेकर चलूं तो सेटिंग में कुछ खास कुछ चेंज नहीं है गाइस। और लॉक स्क्रीन इस थीम का गाइस इस प्रकार का दिखता है, देख सकते हैं गाइस, ये लॉक स्क्रीन अच्छा लग रहा है देखने में मुझे तो। गाइस, चलिए अगले थीम के बारे में बताता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, ठीक है। और आगे इससे अच्छे अच्छे थीम आने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रहें गाइस, ठीक है। ये जो थीम है इसका नाम है ईयो रोयो रोयो, और पता नहीं क्या नाम है इसका। और चलिए अप्लाई करके देखते हैं कि ये थीम कैसा है। थीम ऐसे गाइस अच्छा है, नाम बस अजीब है इसका, पता नहीं क्यों ऐसा है। और गाइस, होम स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, ग्रीनिश। और आइकन गाइस, मैं क्लोज से आपको दिखा देता हूँ, आइकन गाइस इस प्रकार का दिखता है देखने में, ठीक है। और गाइस, नोटिफिकेशन शेड भी आपको इस प्रकार का दिखता है, एकदम ग्रीनिश, देख सकते हैं गाइस। फोकस हो जाए कैमरा के, हाँ गाइस, इस प्रकार का दिखता है। और गाइस, अगर मैं सेटिंग दिखाऊँ तो सेटिंग में कुछ खास चेंज नहीं है, बस यहाँ ऊपर की तरफ गाइस देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता है। और गाइस, इसकी लॉक स्क्रीन की बात करें तो गाइस, लॉक स्क्रीन इसकी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो टास्क रखेंगे वो यहाँ पे आपका शो होगा गाइस, ठीक है, देखिए गाइस। तो लॉक स्क्रीन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और गाइस, अगला जो थीम है वो काफ़ी ही ज़्यादा जहर थीम है गाइस, और ऐसा थीम बहुत कम ही मिलता है गाइस आपको थीम स्टोर पर, ठीक है गाइस। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ जब ये थीम को अप्लाई करूँगा गाइस, ठीक है थीम। तो गाइस, इस थीम का नाम है NGO Bell Version 11, ठीक है गाइस।
तो चलिए इस थीम को अप्लाई करके देखते हैं। गाइस थीम अप्लाई हो चुका है और पहला चेंज जो आप लोगों ने नोटिस करी होगी गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लोज से दिखा रहा हूँ फोकस को जब। हाँ गाइस देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, ये जो नेविगेशन बटन है गाइस देख सकते हैं कलरफुल हो चुका है गाइस, काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये तो, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा चेंज आप देख सकते हैं, ये जो आइकन से ये कितना ही ज़्यादा खूबसूरत हो गए गाइस, देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है गाइज। और अगर मैं आपको डायलर पैड में लेके जाऊं गाइज, तो डायलर पैड भी गाइज देखिए चेंज हो चुका है एकदम, देख रहे हैं गाइज एकदम ज़बरदस्त लग रहा है थीम। उसके बाद से सेटिंग में ले जाके देखें तो सेटिंग भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और सेटिंग आपको देखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है गाइज देखिए। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन सेट दिखाऊँ तो गाइज देख सकते हैं नोटिफिकेशन शेड इस प्रकार दिख रहा है, और क्विक टॉगल्स गाइस देख सकते हैं इस प्रकार का दिखता है, जो देखने में काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद से ये देखिए गाइस, ये जो ब्राइटनेस का है ये भी चेंज हो चुका है। तो गाइस ये थीम काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मैं इसका लॉक स्क्रीन दिखाऊँ तो लॉक स्क्रीन इस प्रकार दिखता है, और उसमें जो गाइस ये डेट और टाइम दिखाता है ना गाइस, काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, ठीक है गाइस। और फेस लॉक पे यहाँ पे एक ताला का सिंबल दिखता है, जो देखने में काफ़ी ही ज़्यादा कूल लगता है, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आपको ये थीम पसंद आया ना गाइस, तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है गाइस, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है गाइस। तो चलिए अगले वीडियो में आपको बताते हैं अगले थीम के बारे में। और गाइज अगला जो थीम है उसका नाम है कोर DW19, देख सकते हैं गाइज। और गाइज ये थीम भी कतई खतरनाक है, ठीक है गाइज, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस थीम को, ठीक है। थीम अप्लाई हो चुका है, ठीक है गाइज। और सबसे पहला जो चेंज आप लोगों ने नोटिस करी होगी ना, वो इसका देखा होगा आइकन्स गाइज, इसका आइकन एकदम ग्रीनिश है, सब कुछ ग्रीन है, ठीक है गाइज, एकदम खतरनाक लगता है देखने में। दूर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए गाइज कुछ इस प्रकार का दिखता है ये, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन शेड की बात करूँ तो गाइज नोटिफिकेशन शेड भी ग्रीन और में दिखता है, और देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, ठीक है। अगर सेटिंग में लेकर जाऊँ तो सेटिंग भी ट्रांसपेरेंट है गाइज, देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा है गाइज, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छा मेरे को लगा इसका लॉक स्क्रीन गाइज, देख सकते हैं, देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर मैं क्लोज से दिखाता हूँ, ठीक है। फोकस हो जा, फोकस ही नहीं होता यार ये तो। देख सकते हैं गाइस, चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस प्रकार का है, मैं चार्ज अनप्लग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जब फोन आपका चार्ज होता है तो गाइस इस प्रकार का आपको एनिमेशन देखने मिलता है। और गाइस जब इसका लॉक स्क्रीन आप खोलने जाते हैं ना गाइस, देख सकते हैं ये एनिमेशन गाइस, काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक लगता है गाइज ये थीम, ठीक है गाइज। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, ठीक है गाइज। तो चलिए अगले थीम के बारे में बताता हूँ, और गाइज अगला जो थीम है वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अगला थीम बताता हूँ ना गाइज, अगला जो थीम है उसका नाम है पिक्सल प्रो वर्जन 11, देख सकते हैं गाइज। और इस थीम को भी अप्लाई करके हम देखते हैं कि ये थीम कैसा है, ठीक है। थीम अप्लाई हो रहा है और थीम ये अप्लाई हो चुका है। अगर सबसे पहला जो आप लोगों ने चेंज नोटिस करी होगी ना गाइस, वो देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन बटन में गाइस, देख सकते हैं नेविगेशन बटन कितना ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है गाइस। उसके बाद से आइकन को कुछ आपको इस प्रकार के मिलते हैं स्टॉक एंड्रॉयड जैसे, ठीक है, क्योंकि ये पिक्सल वाला थीम है तो गाइस पिक्सल का कॉपी रहेगा इसमें, ठीक है, तो इसलिए ये पिक्सल वाला आइकन यूज़ किया गया है यहाँ पे। और गाइज अगर मैं आपको नोटिफिकेशन शेड दिखाऊं तो गाइज इस प्रकार का नोटिफिकेशन शेड दिखता है और ट्रांसपेरेंट है गाइज, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे ब्लूइश कलर का वो टेक्सचर आता है अगर कोई चीज ऑन रहता है। अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊं गाइज, तो सेटिंग में कुछ कुछ चेंज नहीं है।
और अगर मैं इसका लॉक स्क्रीन दिखाऊं तो लॉक स्क्रीन कुछ इस प्रकार का है। ठीक है गाइस, ये देख सकते हैं गाइस, ये चार्जिंग एनिमेशन है, इसको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सबसे पहले लॉक स्क्रीन देखिए गाइस, इस प्रकार का इसका लॉक स्क्रीन है। लेकिन गाइस अगर इसका चार्जिंग एनिमेशन आपको मैं दिखाऊँ तो काफी ही जहर है। देख सकते हैं गाइस लॉक स्क्रीन इसका कतई जहर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका लॉक स्क्रीन गाइस, और आई एम श्योर जरूर आपको ये पसंद आएगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं गाइज कि आपको इसका पार्ट 3 चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय और